साहब, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए डॉक्टर साहब, आपने अपने ओपनिंग डायलॉग में एक बहुत अच्छी चीज बोली थी और मुझे थोड़ा समय दीजिएगा कि ये जो परसेंटेज वाला आपने बताया था, यहाँ के एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने एक पार्टी खड़ी की थी, वो भी ऐसे ही बताते थे 80 और 85 का। मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूँ, इसको भारत का सौभाग्य या दुर्भाग्य बोलिए। मुगल, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मुगल जब थे यहाँ पे तो उस वक्त मान लीजिए 15 करोड़ की जनसंख्या है, 11 10 11 करोड़ भारत की रही होगी, वो कितने थे परसेंटेज वाइज पॉइंट में थे, जो रूलर क्लास थे। इसी तरीके से अंग्रेज देखिए, अंग्रेज कुछ लैक्स थे, 7 8 लाख अंग्रेज थे, वो भी पॉइंट में थे। आज तो कम से कम मैं इसको सौभाग्य बोलूंगा कि कम से कम 30-40% जिनके पास वोट है, यानी 40% जनता ने जिनको ये मैंडेट दिया कि भाई आप शासन करिए, आप इस प्रक्रिया को दुरुस्त करिए, तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। मिश्रा जी, अगर मिश्रा भारत जी, के अंदर मिश्रा जी, कुछ सॉरी, मिश्रा जी, सॉरी, आपने कहा जो कि एक मतलब राजे महाराजे थे, वो तो एक राजा चाहे 5% का भी हो, वो भी राज कर सकता था। हाँ जी, हमने देखा कि इराक में 30% वाला राज जो जो आदमी था वो राज करता रहा। एक बात। दूसरी, फिर आपने बात की अंग्रेजों की, देवर द इन्वेडर्स, तो इन्वेडर्स तो दुनिया में कहीं भी जाके उन्होंने तो सारी नहीं, दुनिया, मैं राज लेकिन करने की उसके बात साथ कर रहा हूँ, कंपेयर आप कैसे कर बिल्कुल सकते इन्वेडर हैं? की बात आप नहीं कर उसके रहा साथ हूँ। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, मैं डेमोक्रेसी राज की बात करने की करिए, बात कर ये रहा हूँ, डेमोक्रेसी शासन है और प्रशासन को आप लेके चलाने जा की रहे हैं बात राजे कर रहा महाराजों हूँ। के पास। नहीं, इन्वेडर की बात, भाई अगर वो इन्वेडर थे तो इंडिया ने क्यों एक्सेप्ट किया? यहाँ की पब्लिक उनके हुक्म को क्यों मानती? अरे बात भाई, है, ये हुक्म डंडा, कौन चला अरे रहा डंडा होता है, जो इन्वेडर्स होते हैं वो डंडे के साथ आते हैं, डंडे है? के साथ ठीक है, जाते अब हैं। डंडा नहीं है, परसेंटेज की डॉक्टर साहब जो बात है, तो परसेंटेज चालीस उसके साथ परसेंट अपने कोई आप में, नहीं, परसेंटेज सुनिए, कोई लेना देना नहीं नहीं, उस इशू डेमोक्रेसी में। में जो, और चलिए डेमोक्रेसी के हिसाब से बात करते हैं, जो रूल बना है संविधान के हिसाब से, हाँ, उसमें तो यही रूल है कि जो लार्जेस्ट मेजोरिटी की पार्टी होगी। तो मैं तो विपक्ष से सवाल पूछना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी को विपक्ष क्यों खत्म कर रही है? क्यों नहीं वो परफॉर्म कर पा रहे हैं इलेक्शन में? क्यों नहीं संसद में वो विरोध कर पाते हैं? क्यों नहीं सड़कों पे वो विरोध इतने इफेक्टिव वे में वो अपने एजेंडा को क्यों नहीं रख पाते हैं कि इस समस्या से समाधान, अगर तानाशाही ये लगता है तो इस तानाशाही से निजात दिलाने के लिए मैं विपक्ष के साथ हूं। मैं तो विपक्ष को बोलूंगा कि भाई इस तानाशाही से आप निजात दिलाइए। जहां विपक्ष इतना कमजोर हो जाए, जिन्होंने 40 साल 60 साल शासन किया और वो हाथ खड़े कर ले, तो हमारे आपके जैसे जनता क्या करेगी? तो प्रेम जी, ये सवाल गलत प्रेम जी, उठा वो तो जाना मैंने पहले चाहिए। भी कहा था।